तो ये देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी चुनावी प्रचार के लिए पहुंचेंगे। हरियाणा चुनाव में पहली रैली को संबोधित करेंगे। करनाल के असंध और हिसार के बरवाला में रैली करेंगे। चुनाव में पहली बार मंच पर साथ दिखाई देंगे भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला एक साथ नजर आएंगे। कांग्रेस 90 में से लगभग 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 5 अक्टूबर को हरियाणा में सभी सीटों पर वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार, अब भी ये सवाल बरकरार है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस स्ट्रांग तो नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की जो अंतर्कलह है, जो अंदरूनी लड़ाई है, उससे अगर कांग्रेस यूं ही जूझती रही तो एक एक कर अगर इस तरह ही पार्टी के तमाम प्रत्याशी या कह लीजिए दिग्गज नेता अगर छत विछत होकर दूसरे पार्टियों के साथ जाने लगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने का जो सपना देख रही है, वो सपना कांग्रेस पार्टी का टूट जाएगा। तो देखिए नाराजगी अब खत्म हो गई है कुमारी शैलजा की। हरियाणा चुनाव के प्रचार में दिखेगी कुमारी शैलजा और कुमारी शैलजा चुनावी प्रचार में शामिल हो सकती हैं। चुनाव में 4 विधानसभाओं के प्रचार में कुमारी शैलजा हिस्सा लेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी के लिए प्रचार करेंगी। काफी समय से प्रचार से कुमारी शैलजा नदारद चल रही है। लगभग आखिरी बार वो प्रचार करती हुई नजर आई थी 13 सितंबर को। वहीं कांग्रेस से कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरें सामने आई थी। पार्टी ने शैलजा के प्रभाव को देखते हुए महज 10 टिकट दिए। शैलजा ने की थी 30 से 35 समर्थकों के लिए टिकट की मांग। कुमारी शैलजा का 21 सीटों पर प्रभाव। हरियाणा में शैलजा कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा है और अगर कुमारी शैलजा नाराज हुई तो पार्टी को इसका खामियाजा हर हाल में भुगतना होगा और पार्टी इस चीज को बेहतर तरीके से जानती है और इसी का परिणाम स्वरूप है कि कुमारी शैलजा को नाराज होने के बाद तत्काल प्रभाव से मनाया गया, इससे पहले कि वो दूसरी पार्टी में चली जाए। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही उन्हें मौका दिया उनकी बात मानने का। देखिए कुमारी शैलजा जो कि 21 चेहरों पर अपना वर्चस्व रखती हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा दलित चेहरा है और कुमारी शैलजा एक दिग्गज और पुरानी नेता है कांग्रेस पार्टी के लिए। ऐसे में कुमारी शैलजा अब राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चुनावी प्रचार करती नजर आएंगी, ये खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि 13 सितंबर को आखिरी बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी प्रचार किया था, जब मैनिफेस्टो जारी किया गया 17 सितंबर को, और उस मैनिफेस्टो के कार्यक्रम में जब कुमारी शैलजा नहीं पहुंची तो लोगों ने सवाल खड़ा किया कि क्या कुमारी शैलजा जो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ नजर नहीं आ रही चुनावी प्रचार प्रसार में, क्या वो कांग्रेस पार्टी से नाराज है? और इस नाराजगी को भांपते हुए बीजेपी ने ऑफर भी कुमारी शैलजा को दिया था। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरी दो सहयोगी जुड़ गई हैं। कंचन कनौडिया हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और हरियाणा के यमुनानगर से वीना अरोड़ा जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो कंचन आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जानकारी यह है कि राहुल गांधी के साथ चुनावी प्रचार करती नजर आएंगी अब कुमारी शैलजा और इस बीच होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो क्या ये समझा जाए कि इसको लेकर जो प्लान तैयार हुआ है वो पूरा प्लान आपके पास है कि कब जाएंगे राहुल गांधी, कब चुनावी प्रचार होगा, लगभग क्या पूरा डे प्लान रहने वाला है उनका? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें राहुल गांधी जो है आज पहले करनाल जाएंगे, 12 बजे के बाद वहां पे वो एक रैली को संबोधित करेंगे, उसके बाद के राहुल गांधी अपनी दूसरी रैली को संबोधित करेंगे। तो आज जिस प्रकार से राहुल गांधी अपनी रैलियों को हरियाणा में संबोधित कर रहे हैं, साथ ही मंच भी साझा करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के साथ, एक बड़ा दिन कांग्रेस पार्टी के लिए, एक मैसेज देने का वो दिन है कांग्रेस पार्टी का, जब तमाम अफवाहें और लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर्स की बात चल रही है कुमारी शैलजा के लिए, जहां कांग्रेस पार्टी लगातार मना कर रही है कि कुमारी शैलजा जो है कहीं नहीं जा रही, हमारी पार्टी में रहेंगे, आज वही मैसेज देने का दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए। आज एक मंच साझा करके, रैलियों को साझा करके, साझा एक साथ रहकर एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा। एससी की 21 सीटें जो है रिजर्व्ड है हरियाणा में, उन तमाम सीटों पर कुमारी शैलजा
अच्छा खासा चलो ठीक है, वीना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभी आपकी तरफ नेटवर्क का इशू हो रहा है, वीना आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आज राहुल गांधी पहुंचेंगे, बहुत मुश्किल से मल्लिका अर्जुन खड़के और साथी राहुल गांधी ने मिलकर कुमारी शैलजा को मना लिया है। नाराजगी तो खत्म हो गई, लेकिन चुनावी प्रचार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ, बीच में राहुल गांधी और दूसरी तरफ कुमारी शैलजा, आखिर ये ट्रायो जो है वो कितना काम आने वाला है विधानसभा चुनाव के लिए? और जरा बताइए चुनावी प्रचार के बारे में, कितने बजे राहुल गांधी पहुंचेंगे, कितने बजे उनका प्रचार होगा, कहाँ कहाँ वो जाएंगे? जी सीजा बिल्कुल, आज पहली रैली जो असम से शुरू होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बात करने के बाद शैलजा भी वहां पर पहुंचने वाली है। इसके अलावा बात करें जीत सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेता जो यहां पर पहुंचने वाले हैं, करनाल के असंध में जो रैली होगी, इसके अलावा राहुल गांधी हरियाणा में 3 रैलियां और करेंगे, जो की एक झुंड में होगी और एक सोनीपत में होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर समय रहते अगर शैलजा के साथ बातचीत ना की जाती तो इसका खामियाजा भाजपा को और कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता था, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस कुमारी शैलजा ने प्रचार प्रसार से दूरी बनाई हुई थी, इसका नुकसान तो कांग्रेस को हो ही रहा था, क्योंकि भी चुनावों में सिर्फ महज 5 से 6 दिन बाकी है। ऐसे में जो कुमारी शैलजा है कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा दलित चेहरा है, जो लगभग 34 सीटों पर अपना दावा रखती है, 34 सीटें इन्होंने हाईकमान से मांगी थी, लेकिन सिर्फ 4 सीटें ही अपने खाते में ले पाई, बाकी की जो 72 सीटें थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी गई, जिसके चलते कुमारी शैलजा नाराज चल रही थी। और इसके अलावा बात करें तो एक कांग्रेस नेता द्वारा इनके ऊपर टिप्पणी करने पर भी शैलजा में काफी नाराजगी थी, जिसके चलते कुमारी शैलजा को अनदेखी महसूस हुई और वो प्रचार प्रसार से दूरी बनाकर रखी हुई थी। इसी दौरान इसका जो फायदा था कहीं ना कहीं भाजपा ने उठाने की कोशिश की थी, और पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर द्वारा इनको भाजपा में आने का न्योता भी दिया गया था, लेकिन कुमारी शैलजा ने कहा है कि वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो भाजपा में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती है, क्योंकि कुमारी जो शैलजा है वो सिर्फ भाजपा के लिए बनी है, भाजपा के साथ आई थी, सॉरी मैं माफी चाहती हूँ, वो कांग्रेस के साथ आई थी, कांग्रेस के झंडे में लिपट कर ही इस दुनिया से जाएंगी। कहीं ना कहीं जो कुमारी शैलजा है उन्होंने इस बात से पूरी तरह से नकार दिया है कि वो भाजपा में शामिल होंगी। ये बिल्कुल वीना, देखिए ये भी बताइए, बेशक से बीजेपी में जाने की बात को कुमारी शैलजा ने नकार दिया है, लेकिन जिस तरह नाराजगी थी, कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि सीटों की डिमांड की गई थी, वो सीट जो है वो नहीं मिल पाई, इसलिए कुमारी शैलजा नाराज थी। अब अगर राहुल गांधी बीच में आए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का इंटरफेरेंस हुआ है, तो क्या वो शर्त रही होगी जिस पर कुमारी शैलजा मान गई हैं और अब चुनावी प्रचार करने के लिए भी तैयार हैं? क्योंकि जो उनकी नाराजगी थी वो भी काफी ज्यादा थी, कहीं ना कहीं शर्त भी इतनी बड़ी होनी चाहिए जिस पर की हामी भरी जाए। जी बिल्कुल पूजा, अगर हम बात करें तो अगर 50 से 45 सीटें अगर आती हैं तो बताया गया था कि जो सीएम केस होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा, लेकिन अगर 60 से 65 सीटें आती हैं तो कुमारी जो सीएम केस होगा तो कुमारी शैलजा का होगा, जो सूत्रों के हवाले से हमें पता लग पा रहा था। लेकिन अभी 2 दिन पहले अम्बाला में जो कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचने वाले थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर नहीं पहुंचे और तबियत खराब होने की वजह से नहीं आ पाए थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वहां से जाना पड़ा। इसी दौरान राहुल गांधी ने शैलजा को मैसेज किया था कि वो दिल्ली जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और कुमारी शैलजा में क्या बात हुई इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये तो चुनावों के बाद ही पता चल पाएगा। चलो ठीक है, कंचन आपसे जानना चाहूंगी, देखिये बेशक से कुमारी शैलजा को मना लिया गया है, तीनों चुनावी प्रचार करते साथ में अब नजर आएंगे, लेकिन जिस तरह कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अंतर कलह है, क्या ये जो मनाया गया चुनावी प्रचार की जो खबरें सामने आ रही हैं, इसे सिर्फ एक कहा जाए कि एक मुखौटा है लोगों को दिखाने के लिए, आपने ये मुखौटा पहन लिया है, लेकिन अंदर से जो नाराजगी थी और अंदर से जो शर्तें थी, कहीं ना कहीं वो ठीक उसी तरह से 19-20 के फर्क के साथ रखी गई है, ये सिर्फ एक दिखावा है? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही बात की है कि ये सिर्फ एक मुखौटा है, कहीं अंतर से जो जिस प्रकार
प्रकार से कुमारी शैलजा को नजरअंदाज किया गया है, वो उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें की है। कुमारी साहब से जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि उनके पिताजी जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ही क्या कांग्रेस पार्टी के लिए और बहुत ही कांग्रेस पार्टी के लिए हर तरीके से अपना योगदान देने की कोशिश करती है, इसलिए वो पार्टी को छोड़ के नहीं गई है। जिस प्रकार से उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हुई थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के उस समय के दिग्गज नेता राजीव गांधी जी की बात की जाए तो उन्होंने कुमारी शैलजा